अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि नई रेसिपीज़ आपको फ़ौरन मिल जाएँ। आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शीबाज किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ लखनऊ की बहुत ही फेमस बोटी कबाब की रेसिपी। तो चलिए इसे किस तरह से बनाना है मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने लिया है 1/2 kg मटन, और मटन को मैंने छोटे छोटे पीसेस में करवा लिया है। ये बोनलेस मटन है और इस तरह के इसके छोटे छोटे पीसेस करवाने, करीब 1.5 inch का एक पीस हो। और ये जो मैंने मटन लिया था, इसमें कुछ बोटी जो है थोड़ी सी सादी सी है और किसी किसी में फैट है, तो इसी तरह से होना चाहिए। थोड़ा फैट भी हो तो इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो हमें इसे मैरिनेट कर लेना है। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 tablespoon जिंजर गार्लिक पेस्ट, और साथ ही में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 tablespoon कच्चे पपीते का पेस्ट। ये मैंने कच्चा पपीता लिया था, उसकी जो छिलका होता है उसी के साथ पीस लिया था। छिलके के साथ ही पीस लें तो ये बहुत ही अच्छा टेंडराइजर का काम करता है। इसे जो कच्चे पपीते का पेस्ट इसमें ऐड होता है, इसीलिए ऐड होता है कि इसे हमें गलाना रहता है इसी तरह से। और करीब 1/2 teaspoon नमक, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें। जो लखनऊ के खाने होते हैं बहुत ही टेस्टी बनते हैं, और उसमें पपीते का यूज़ ज़्यादा होता है। अगर आपको पपीता नहीं मिलता है तो आप उसके जगह पे कचरी पाउडर ले लें, उसे भी इसमें डाल सकते हैं, उससे भी ये अच्छे से टेंडराइज हो जाएगा, बहुत ही अच्छे से गल जाते हैं। बोटी को हमें एकदम से जो पपीता ऐड करते हैं, जो इसकी बोटी होती है ना, उससे बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है, अंदर से एकदम जूसी सी हो जाती है, और गल भी बहुत जल्दी जाता है ये गोश्त। इसे कुकर में गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये पैन में ही गल जाएगा, खुले पैन में ही बनाएं आप, उसी में गल जाएगा। तो ये देखिए, इसमें मैंने सब मसाले लगा दिए हैं, और इसे मैं कवर करके रख देती हूँ फ्रिज में रात भर के लिए। और अगर आपके पास टाइम नहीं, आप दिन में बना रहे हैं, तो आप करीब 5 से 6 घंटे के लिए इसे ज़रूर मैरिनेट करके रखें। तो इसे मैं रात भर के लिए बना के रख देती हूँ, उसके बाद फिर हम इसे सुबह आपको बना के दिखाएंगे कि ये किस तरह से बनेगा। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो ये देखिए, जो मैंने ये बोटी कबाब के लिए मटन को मैरिनेट करके रखा था रात भर के लिए, अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। तो अब हम इसे बनाना शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ मसाले दिखा देती हूँ, जिसे हमें ड्राई रोस्ट भी करना है और साथ में उसका पेस्ट भी बनाना है। तो ये मैंने लिए हैं 10 बादाम, इसमें आप चाहें तो 5 बादाम और 5 काजू भी ले सकते हैं, यह आपके ऊपर, आपकी पसंद पे है। 1 सिनेमन स्टिक का पीस लिया है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, करीब 1/2 inch का। 2 तेज़पात के पत्ते छोटे छोटे से हैं, पास से दिखाती हूँ मैं। 4 हरी इलायची, 8 से 10 काली मिर्च, 1 जावित्री का फूल लिया है, और ये शाही ज़ीरा है 1 teaspoon। अगर आपके पास शाही ज़ीरा नहीं है तो आप उसकी जगह पे सफ़ेद ज़ीरा भी यूज़ कर सकते हैं। 1 teaspoon सौंफ ली है, और 2 teaspoon साबुत धनिया लिया है, और 1 छोटा पीस लिया है मैंने जायफल का, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा पीस लिया है। ज़्यादा जायफल ऐड नहीं करना, बस खुशबू के लिए ऐड किया जाता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अगर आप जायफल को ज़्यादा ऐड कर देंगे तो ग्रेवी में कड़वापन आ जाएगा। और ये मैंने लिया है 1 tablespoon डेजिकेटेड कोकोनट। अगर आपके पास डेजिकेटेड कोकोनट नहीं है तो आप पीस ले लें कोकोनट के जो आते हैं। और ये 1 tablespoon मैंने लिए हैं तरबूज के जो बीज आते हैं वो लिए हैं। ये मैं खसखस की जगह यूज़ कर रही हूँ, हमारे यहाँ खसखस मिलती नहीं है, तो इसकी जगह पे मैं ये तरबूज के बीज यूज़ करती हूँ। अगर आपके पास खसखस है तो आप करीब 2 teaspoon तक ले लें। और इन सब मसालों को हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है। जो ये मैंने आपको मसाले बताए हैं, इन्हें सबको हमें ड्राई रोस्ट करना है, और ड्राई रोस्ट करके इनका हम पाउडर बना लेंगे। और ये मैंने लिया है 1/2 cup दही, और मैंने एक मीडियम साइज़ की ये प्याज ली थी, उसे ब्राउन कर लिया है। दही और जो ये प्याज है, इसका हमें पेस्ट बना लेना है, इसे भी मैं एक साइड में रख देती हूँ। और ये लिया है मैंने करीब 1 tablespoon बेसन, बेसन को भी हमें ड्राई रोस्ट करना है। बोटी कबाब बना रहे हैं तो इसमें जो मसाले पड़ते हैं उसमें सब ड्राई रोस्ट करके पड़ते हैं, जिस तरह से कोफ्ते में पड़ते हैं उसी तरह से। तो चलिए सब चीज़ें रेडी कर लेते हैं, मैं इन्हें ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ, और साथ ही में जो हमने मटन लिया उसे भी हम पकने के लिए रख देते हैं। तो सबसे पहले मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। मैंने पैन को गर्म कर लिया हल्का सा, तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सिनेमन स्टिक का पीस। जो मसाले जलेंगे नहीं उन्हें हमें पहले ऐड करना है, और हरी इलायची, काली मिर्च, जावित्री, और मैं आपको दिखा नहीं पाई थी, ये मैंने 1 बड़ी इलायची भी ली है और 4 लौंग ली है, इसे भी इसमें ऐड कर देंगे। और ये जायफल का पीस, बादाम, तेज़पात के पत्ते हमें इसमें ऐड नहीं करना है, इन सबको पहले हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लें, फिर उसके बाद बाकी के मसाले भी इसी में ऐड करेंगे।
तो ये देखिए इन मसालों में से अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब इसमें मैं ऐड कर लेती हूँ जो धनिया सौंफ और जीरा लिया था। इसे फ्लेम को स्लो ही रखें, स्लो फ्लेम पे ही भूने, नहीं तो ये जल जाएंगे एकदम से। और साथ ही में इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये तरबूज के बीज, कोकोनट अभी ऐड नहीं करेंगे। ये भुनने लगे हैं, इसमें बहुत अच्छी से खुशबू आने लगी। इसमें जब अच्छी से खुशबू आने लगे समझ जाएं कि ये भुन गए हैं। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, नहीं तो ये कड़वे हो जाते हैं मसाले ज़्यादा भूनने से। तो ये देखिए मसाले अच्छे से भुन चुके हैं और मैं गैस को बंद कर देती हूँ। उसके बाद में मैं ऐड करी ये डेसिकेटेड कोकोनट। अगर आप पीस लेते हैं कोकोनट के तो पहले ही ऐड कर दें, और इस तरह से कोकोनट लेते हैं पिसा हुआ तो आप बाद में ऐड करें गैस बंद करने के बाद। कोकोनट जो है बहुत जल्दी जलने लगता है भूनने पे। बस ये भून चुके हैं, अभी नहीं हम पीस लेंगे, इसे ठंडा कर लेते हैं फिर इसे पीस लेते हैं। बोटी कबाब जो है बनाना आसान है, बस इसके मसाले जो है आप सही से बना लें, उसके बाद वो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। मसाले मैंने एक साइड निकाल के रख दिए हैं। अब इसी पैन में मैं भून लेती हूँ बेसन। बेसन को भी भूनना जरूरी है और इसे बराबर चलाते रहें, ये भी बहुत जल्दी जल जाता है। फ्लेम को स्लो ही रखें और स्लो फ्लेम पे इसे अच्छे से भून लें। इसमें जब अच्छी सी सौंधी सी खुशबू आने लगे तो ये तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए बेसन भुन चुका है, इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी और इसका हल्का सा कलर भी चेंज हुआ। तो मैं गैस कर देती हूँ बंद। बस इतना ही हमें इसे ड्राई रोस्ट करना था। ये तैयार है, मसाले भी मैंने भून लिए हैं, वो भी अब पीस लेंगे। और जब तक ये सब चीज़ें हम पीसेंगे उससे पहले मैं जो मटन लिया है उसे पकने के लिए रख देती हूँ। देखिए अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 कप ऑयल। ऑयल की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। ऑयल जो है हल्का हल्का गर्म हो चुका है, इसमें ऐड कर देंगे मटन को। मटन को हमें 5 से 6 मिनट तक इसे अच्छे से पका लेना है, तो इसका पानी रिलीज होगा मटन का, वो इसमें ड्राई हो जाए और ये अच्छे से भुन जाए। इसी तरह से मैं पकाना खाली 5 से 6 मिनट के लिए। जब तक ये पक रहा है मैं मसाले पीस लेती हूँ। ये देखिए मैंने मटन को 6 से 7 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लिया है और अच्छे से ये भुन गया है। तो अब इसमें हम बाकी के मसाले भी ऐड कर लेते हैं। ये मैंने जो 2 तेज़पात के पत्ते लिए थे इसे भी इसी टाइम पे ऐड करेंगे, और जो मैंने मसाला पीसा था जो ड्राई रोस्ट मसाले किए थे उससे मैंने पेस्ट बना लिया, इसे इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही में इसमें ऐड करेंगे मिर्च। ये मैंने लिए 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और ये 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया, जिससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। और नमक ले लिया है, नमक हमने मैरिनेशन के टाइम पे ऐड किया था लेकिन 1/2 टीस्पून, थोड़ा सा और ऐड इसमें करना है जिससे कि बैलेंस हो जाए। तो बस अब इन सब मसालों को इसके साथ मिक्स कर देंगे और एक बार और भून लेंगे। नमक और जो मिर्च मैंने ऐड की है उसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। अब इन मसालों के साथ भी हमें इसे भून लेना है। बोटी कबाब जो है आप खुले बर्तन में ही बनाएं। अगर आप कुकर में इसे बनाएंगे बन तो बहुत जल्दी जाएगा लेकिन इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। खुले बर्तन में भी ये बहुत जल्दी गल जाता है क्योंकि इसमें जो हमने कच्चे पपीता लगाया था उससे ये बहुत जल्दी गलता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो इसे आप कोशिश करें कि खुले बर्तन में ही बनाएं। तो ये देखिए जो मैंने मसाला डाला था उसके बाद मैंने इसे अच्छे से भून लिया, बहुत ही अच्छे से भून चुका है, ऑयल ऊपर आ रहा है। और इसमें जो मैंने पपीता ऐड किया था उसकी वजह से ये बहुत जल्दी गल जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसे करीब 20 से 25 मिनट में ये बन के तैयार हो जाता है। तो अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जो मैंने ये दही लिया था और प्याज का पेस्ट बनाया था, दही और प्याज का, उसे ऐड कर देंगे इसमें। ये 1/2 कुक तो हो ही चुका है, अब ये जो दही ऐड किया इसके साथ भी इसे हम कुक कर लेंगे तो ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा।
इसे अच्छे से मिक्स कर दें। तो ये देखिए दही ऐड करने के बाद ये पकने लगा है। इसे एक स्लो फ्लेम पे इसी तरह से हमें पकाना है कवर करके, क्योंकि जो दही ऐड किया है इसी के पानी में ये अच्छे से गल जाएगा। मैं इसे कवर कर देती हूँ और इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया, जो दही का पानी होगा उसी में इसे अच्छे से गला लेना। करीब 8 से 10 मिनट के लिए इसी तरह से पकने के लिए रख दें और बीच में खोल के एक दो बार चेक कर लें जिससे ये नीचे ना लगे। तो ये देखिए बोटी कबाब को पकते हुए हो गए पूरे 10 मिनट और इसे मैंने बीच में दो बार खोल के चलाया था जिससे कि नीचे ना लगे। इसे चेक कर लें कि ये गला के नहीं गला। इसमें पपीता लगा हुआ है, छोटे छोटे पीस भी है बोटी के, तो फिर ये गल भी बहुत जल्दी जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मैं आपको चेक करके दिखा दूँ, ये देखिए बोटी कितने अच्छे से अलग हो रही है। और आप ये देखिए बोटी अंदर से बहुत ही जूसी दिख रही है, तो ये आप लोग ज़रूर बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनता है और ये बिल्कुल भुना भुना रहता है। अभी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बेसन, जो मैंने बेसन को भून के रखा था उसे थोड़े से पानी में ऐड कर दिया है जिससे इसे मिक्स करने पे इसमें गांठें ना पड़े बेसन की, और इसे इसमें मिक्स कर देंगे अच्छे से। बेसन की भी इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है और खुशबू भी आती है, क्योंकि बेसन से इसमें सोनापन आ जाता है बिल्कुल कबाबों की तरह। और साथ ही में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया, उसे भी मिक्स कर देंगे। और इसे 2 से 3 मिनट तक कवर करके फिर से पकाएंगे स्लो फ्लेम पे, क्योंकि बेसन अभी ऐड किया है उसे भी हमें अच्छे से पकाना है। तो ये देखिए इसे मैंने 3 मिनट के लिए और कुक कर लिया है, बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आ रही है और बहुत ही टेस्टी बनता है ये, और इसी तरह से ये भुना भुना रहता है। ये आपकी पसंद है, आप चाहें तो इसमें थोड़ी ग्रेवी कर सकते हैं, वरना ये इसी तरह से भुना भुना रहता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। मटन के बहुत ही जूसी से पीसेस होते हैं। तो ये तैयार है, अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ केवड़ा वाटर, ये ज़रूरी है, केवड़ा वाटर इसका मेन इन्ग्रीडियंट है, तो इसे आप ज़रूर इसमें ऐड करें। केवड़ा वाटर लिया है मैंने 1/2 टेबल स्पून, इसमें ऐड कर देते हैं। बस ये तैयार है, इसे 1 मिनट के लिए इसी तरह से कवर करके रख दें। तो ये देखिए इसमें मैंने केवड़ा वाटर डाल के 1 मिनट के लिए इसे बंद करके रख दिया था जिससे इसमें जो केवड़े का फ्लेवर है वो अच्छे से आ जाए। और अब इसमें देना है हमें स्मोक, तो मैंने एक कोयला ले लिया है, इसे जला लिया है और अब इसमें मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा ऑयल, 3 से 4 ड्रॉप। आप चाहें तो इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं और इसे कवर करके करीब 3 मिनट के लिए इसी तरह से रखा रहने देंगे। उसके बाद इसे निकाल दूंगी और उसके बाद मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए लखनवी बोटी कबाब बन के तैयार हैं। आप देखें, देखने में जितने अच्छे हैं टेस्ट में तो उससे भी ज़्यादा अच्छे हैं। तो अब आप लोग रेस्टोरेंट जाएं ना, सिर्फ घर पर ही बनाएं, शिवाज किचन देखते रहें और आपको इसी तरह की टेस्टी डिशेस मिलती रहेंगी। तो ट्राई करें इसे और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसा लगा, और देखते रहें मेरे चैनल को और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इतनी टेस्टी डिशेज़ मैं जो आपके लिए लाती हूँ तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही हो। तो फिर आप मेरे वीडियोस को भी अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंजॉय करें लखनवी बोटी कबाब, शिवाज किचन। थैंक यू।